Hello students, so we are studying mathematics of standard 7. In previous video we solved exercise 2.2. In that we have completed question number 1 and question number 2. Now it's time to do question number 3. Then what is question number 3? So hold textbook and read the question. In a dance class there are 50 children. How many? 50 children. 1/5 learn jazz. 1/5 learn jazz. Students learn Kathak. 3/5 and remaining learn Bollywood. It is the information given in your question. Now what is asked? Number of students who learn jazz, learn Kathak and learn Bollywood. So only first write question here, then start your solution. Only first state total students. Total number of students are 50. Then state students learn jazz 1/5 of total students. Students learn Kathak 3/5 of 50. Then remaining learn Bollywood. The number is not given. So only first we have state given, then we start our solution. The first point is given, jazz. So total students are 50. What we have to do? क्या करना है हमें? तो 50 का हमें 1/5 पता करना है. यदि हम 50 स्टूडेंट्स का 1/5 निकाल लेते हैं तो हमें ये जो जैज लर्न करने वाले स्टूडेंट है इनकी क्वांटिटी मिल जाएगी. तो हम क्या लिखेंगे? 1/5 ऑफ 50. अब इसको कंटिन्यू करो. तो कंटिन्यू करते हैं, ऑफ की जगह हम क्या फाइंड करेंगे? साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इस तरह अब क्या करेंगे? तो इस 5 से इस 50 का क्रॉस डिवीजन करेंगे. जब यहां साइन मल्टीप्लाई का होता है तो क्रॉस डिवीजन होता है, और यहां साइन अगर डिवीजन का देता है तो फिर हम पहले उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख करके मल्टीप्लिकेशन में लिखते. तो 5 बन गया 5, यहां पे 5 10 जा 50, 10 1 जा 10. तो जो 10 स्टूडेंट है वो जैज सीख रहे हैं. दूसरा दिया हुआ है कथक. तो कथक का भी लिख लेंगे हम. कथक का लिखेंगे 3/5 ऑफ 50, क्योंकि 50 टोटल स्टूडेंट. तो अब 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 50. इसमें क्या है? 5 10 जा 50 तो हो गया, लेकिन अब 10 3 जा 30. तो 30 स्टूडेंट कथक लर्न कर रहे हैं. उसके बाद में हम जैज का बॉलीवुड का निकालेंगे. तो बॉलीवुड का जो रेशियो है या फ्रैक्शन है वो दिया ही नहीं है. तो हम क्या करेंगे? बॉलीवुड का जब निकालेंगे, सी बॉलीवुड, मैं इधर मैं लिख रहा हूं, आपको
बी ए सी के नीचे ही सॉल्व करना है, बी सी बी के नीचे सॉल्व करना है। बॉलीवुड इसमें क्या करना है, यदि हम इन दोनों को प्लस करते हैं और इन दोनों के प्लस को टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस करते हैं तो हमें रिमेनिंग स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 50 माइनस 10 प्लस 30 कर देंगे, 10 प्लस 30, तो हमें आंसर मिलेगा 50 माइनस 10 प्लस 30 होता है 40। तो इजीली बॉलीवुड सीखने वाले बच्चे मिल गए 10। तो इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, समझ आ गया। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें क्या दिया है, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ट्रू। इसमें से मैं एक सॉल्व करके देता हूँ, बाकी जो दो रिमेनिंग है वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है फोर्थ का, ए 5/6 मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स इज इक्वल टू 75। ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना, कैसे सॉल्व करना, तो पहले तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख लिए। नाउ लेट बॉक्स बी एक्स, बॉक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे। तो ऊपर जो इक्वेशन दिया है उसको हम लिख लेंगे 5/6 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 75। अब क्या करेंगे, एक्स फाइंड करना है तो एक्स लिख लो, देयरफॉर के साइन देने हैं इज इक्वल टू 75। अब ये जो है 5/6 साइड चेंज करेगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6/5। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 से 75 डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 5 दिया हुआ है, तो 5 के टेबल में 75 आता है, 15 5 75 होता है, या फिर ऐसे भी कर सकते, 5 1 5 2 25 हुआ, 5 5 25। अब 15 6 कितना होता है, तो आप 15 6 कितना होता है लगा लीजिए, उसमें 15 8 कर दो 75 में तो भी आंसर आता है, तो 15 6 होता है 90। तो x की वैल्यू आ गई 90, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5/6 मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स, तो बॉक्स में अब लिखेंगे 90 फिर इक्वल टू 75। इस तरह से हम ए फोर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब जो बी और सी है ये होमवर्क है, ये आपको करना है, बी और सी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जो दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बच्चों क्या करना होगा, सबसे पहले इस मेथड से हम लोग सभी को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और जब लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा तब हम आगे की स्टेप करेंगे, ये आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद जो 6 नंबर का प्रॉब्लम दिया है वो हम सॉल्व करेंगे। ये जो डिसेंडिंग करने वाला जो प्रॉब्लम दिया है
ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि हमने इस टाइप के जो प्रॉब्लम है ऊपर में सॉल्व किए हैं। करना क्या होगा, सभी फ्रैक्शंस 1, 2, 3, 4 फ्रैक्शन दिए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में सभी के लाइक फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे। जब वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे तब हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे। सिक्स क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3 and 1/4 meter and breadth is 2 and 1/3 meter। तो बच्चों इस सिक्स प्रॉब्लम में जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या दिया है, इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब उस रेक्टेंगल में क्या दिया है, लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है। लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ कितनी दी है, एल इज इक्वल टू 3 1/4 meter और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, तो ब्रेथ दिया हुआ है 2 1/3 meter। ये है गिवन। अब इस गिवन के आधार पर हमें फाइंड करने बोला है एरिया, तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे हम। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है L इंटू पी यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसमें इसको पुटअप करेंगे, लेंथ दी है 3 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 1/3 और इसको ब्रैकेट में लिख करके ये मीटर जो दिया हुआ है इसको हम मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। और इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी ये जो मीटर स्क्वायर है अभी ना लिख, जब हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा तब शो करेंगे। इसमें नेक्स्ट स्टेप में हमें सॉल्व करना है 3 4 12 + 1 13 13/4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 6 6 + 1 7 7/3। अब क्या करना है, ये देखना है कि ये कोई न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर डिविजिबल है क्या। तो देखने पर पता चल रहा है कि कोई भी डिविजिबल नहीं है, तो 13 का टेबल 7 तक बोलना है। तो 13 7 जा कितना होता है, आप लोगों को पता है कितना होता है, 91 और 4 3 जा 12। अब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो आंसर है 12 के टेबल में 90 आगे तक बोलना है अपने को। तो 12 8 जा कितना होता है, हम ऐसा लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 91 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 12 7 जा ले सकते हैं हम, या फिर अगर नहीं आता आपको तो इस तरह से कर सकते हैं, 12 से 91 को डिवाइड करके देखिए, तो 7 जा 84, 91 माइनस 84 यदि करते हैं भी 7 आ गया, और ये जो डिनोमिनेटर है 12
एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो आंसर है यहां पर लिखेंगे हम आंसर में एरिया ऑफ रेक्टेंगल 7/12 मीटर और एरिया है इसलिए स्क्वायर में लिखेंगे। तो इस तरह से ये एक वर्ड प्रॉब्लम और ये दो प्रॉब्लम हमने आज सॉल्व करके देखा। तो इसी तरह से बाकी प्रॉब्लम्स आपको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करने हैं। ओके बच्चों, कोई यदि डिफिकल्टीज रहती है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ। ओके बाय।